स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में टोटल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 297 ठीक है, मतलब 300 ऑलमोस्ट। तो इसमें मेरे को रॉन्ग क्वेश्चन रिवाइज करना है। रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा है, 54, बहुत वीक है मेरा, क्योंकि इसमें कॉकरोच है। चलो देखते हैं। द माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच शोन इन द गिवन डायग्राम एक्ट एज अन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम ही देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना, इसमें नीचे वाला मैक्सिला है, दो मैक्सिला होता है, दो मैंडिबल होता है, एक ऊपर में लेब्रम होता है, एक नीचे में लेबियम होता है, ठीक है। तो याद रखना, और हाइपोफेरिंग्स होता है, थोड़ा सा छोटा स्ट्रक्चर है और लंबा सा टंग निकला हुआ है, ठीक है। तो लेब्रम सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और लेबियम क्या है, थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि ये तो लोअर लिप का हो गया है ना, लेबियम है, हाँ लेब्रम अपर लिप होता है, लेबियम है लोअर लिप, ठीक है। तो अब इसमें स्पर्म आर स्टोर इन, तो स्पर्म सेमिनल वेसिकल में स्टोर होता है, और सेमिनल वेसिकल जो बी वाला दिख रहा है वो है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, ठीक है। मैं क्या लगाई थी पहले, ए लगाई थी, मतलब मेरे को लग रहा था ए, ए तो यार मशरूम ग्लैंड है मेरे ख्याल से, कोई ना, चलो एक बार देख ही लेते हैं। ये देखो, नहीं फैलिक ग्लैंड है, फैलिक, देखो मैं कितनी दुष्ट पापी इंसान, कुछ याद नहीं रहता। फैलिक ग्लैंड पहला, ठीक है, ऊपर में जो जो दिया हुआ था, ठीक है। फिर स्मॉल ट्यूब्यूल्स है, बीच बीच वाला जो है, और ये जो वाइट वाइट दिख रहा है वो सेमिनल वेसिकल है, इसी में स्पर्म स्टोर होता है, ठीक है। ये जो स्पर्मेथिका है, फीमेल का भी छोड़ो, मेल में और क्या याद रखना, और कुछ मत याद रखना यार, इज एक्लेटरी डक्ट दिख रहा है, थोड़ा सा मतलब विजुअलाइज रखना यार, थोड़ा रखना। एनाल सर्सी सिर्फ मेल में होता है, इतना तो सबको पता है, इतने बार क्वेश्चन करते हो, ठीक है। और ठीक है, जेनाइटल पाउच देख लो, जेनाइटल चैम्बर देख लो, और स्पर्मेथिका सिक्स पोजिशन पर होता है, ठीक है। अब और क्या याद रखोगे, कोलेट्रल ग्लैंड याद रखना, ये जो दिख रहा है ना फैला हुआ है, ठीक है, वो है, हो गया। अब इसमें तो इतना ही याद रखना है। इसमें क्या, टेस्टिस का तो 4 to 6 याद रहता है, ओवरीज का 2 to 6, मतलब पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, है ना, वो 2 और 3 में दिया। अब इस पर मैं थी का 6 वाले में दिखाया था मैंने, तो थर्ड का थर्ड, मतलब थर्ड वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और या तो टी से टेट्रा ऐसा याद रख सकते हो ना, टी से टेट्रा, ठीक है, मतलब कि टेस्टिस, टी फॉर टेट्रा, मतलब 4 to 6, ठीक है। इन मेल कॉकरोच स्पर्म आर स्टोर इन, तो सेमिनल वेसिकल, ये नीट में भी आ चुका है, ठीक है। अब ये है सबसे पहला, तो स्क्वैमस लग रहा है मेरे को, फिर क्यूबॉइडल, फिर कॉल्यूमुलर, फिर सिलिएटेड कॉल्यूमिनार, है ना। तो ये थर्ड वाले, सेकेंड वाले में है क्या, सिलिएटेड कॉल्यूमिनार, कॉल्यूमुलर, फिर क्यूबॉइडल, फिर स्क्वैमस, हाँ सेकेंड वाले में है। फोर्थ वाला में, लास्ट वाले में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड लिख दिया है, ये तो हम लोग कभी एनसीईआरटी में पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल, तो क्या बताना है, फॉल्स बताना है, ठीक है। ठीक है, पहला है न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल, मोर देन 1/2 का मतलब ग्रेटर देन 50% भी लिख सकता है इस चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा ना खुद से मॉडिफाइड कर लो, ठीक है, कि 1/5 बोल रहा है इसका मतलब ये भी, इसको ऐसे तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑप्शन आया तो मैं कंफ्यूज नहीं होंगी, ठीक है। ये जब भी कुछ चीज़ ऐसा पढ़ते हो तो सोच लो पहले से ही कि एग्जामिनर और क्या सोच सकता है, ठीक है। सेकेंड है न्यूरोग्लिया प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन, ये भी लिखा हुआ है। व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड विच स्विफ्टली ट्रेवल अलॉन्ग इट्स, साइटोसॉल नहीं होगा यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है।
तो ये गलत है, 1 2 सही था, 1 2 इसमें फॉल्स पूछा है ना, फॉल्स पूछा तो फॉल्स 3 वाला है। अब 4 देख लेते हैं, दिस डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन एंडिंग ट्रिगर स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन और अदर सेल्स, ठीक है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर सिर्फ 3rd वाला हो जाएगा। अब देख लेते हैं, NCERT में व्हेन न्यूरॉन इज स्विफ्टली स्टिमुलेटेड एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड व्हिच स्विफ्टली ट्रेवल अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है, वहाँ पे साइटोसोल लिखा हुआ था, तो ये वाला जो पूरा पढ़ना, ठीक है, देखो ये लिखा है डिस्टर्बेंस एट न्यूरॉन एंडिंग आउटपुट जोन ट्रिगर इवेंट दैट मे कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन एंड अदर सेल्स, ये वाला 4th वाले में दिया हुआ था, ये वाला भी दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल, हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहाँ साइटोसोल लिखा था, और ये देखो द न्यूरोग्लियल सेल विच कॉन्स्टिट्यूट रेस्ट ऑफ न्यूरॉन सिस्टम प्रोटेक्ट विच न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरोग्लिया के बारे में क्या लिखा है, ये ग्लिया है, न्यूरोग्लिया है, न्यूरॉन अलग है और न्यूरोग्लिया अलग है, ठीक है, न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी, ठीक है, न्यूरोग्लिया अलग होता है, देखो ये न्यूरोग्लिया दिख रहा है, न्यूरॉन अलग है, और यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है, न्यूरोग्लिया की जगह ना न्यूरॉन का दे देगा और न्यूरॉन के में ये वर्ड लिख देगा मोर देन 1/2, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, मेरे टेस्ट में आया हुआ था एक बार इसलिए बता रही हूँ। इंटरकैलेटेड तो कार्डियक में मिलता है, कैलेटेड लिखा हुआ है, वर्टिब्रल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है NCERT में, ठीक है ना, देख लेना, ये देखो सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है, फ्यूज़ हो जाते हैं कार्डियक मसल के जो सेल जंक्शन फ्यूज़ हो जाते हैं मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, कम्युनिकेशन जंक्शन होता है जिसको कि इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं, एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, दैट इज व्हेन वन सेल रिसीव अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स नेबर आर ऑल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है, कम्युनिकेशन जंक्शन है, ठीक है, ये चीज़ भूलना मत। द सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल, ये तो स्क्वैमस का है ना, ये तो ब्लड वेसल वाला तो स्क्वैमस में ही दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th स्क्वैमस, ठीक है, स्क्वैमस का एक और होता है मतलब ब्लड वेसल के साथ साथ एयर सैक ऑफ लंग्स, ये भी एग्जांपल याद रखना, उसमें भी होता है, ठीक है, एयर सैक जो लंग का होता है एल्वियोलाई, उसमें जो लाइनिंग होता है स्क्वैमस का होता है, ठीक है, वहाँ पढ़ते भी हैं यार, पढ़ते हैं याद करो, एल्वियोलाई का जो डायग्राम दिया है रेस्पिरेशन में ना, उसमें हम लोग लेयर पढ़ते हैं लेस देन नैनोमीटर या मिली लेस देन मिलीमीटर, क्या लिखा है देखो मैं ये भी भूल गई यार, बार बार रिवाइज करना इसलिए ज़रूरी है, ठीक है, और जिसको याद है उसको याद आ गया होगा अभी तक, ठीक है, तो फिर है द टिश्यू विच कवर्स द आउटसाइड ऑफ बॉडी एंड ऑल्सो लाइन द ऑर्गन लाइक ब्रेन लंग एंड हार्ट वेसल्स एंड कैविटी इज, ठीक है, तो ये ना डायरेक्टली नहीं है बट फिर भी ये एपिथेलियल टिश्यू का ही है कि वो क्या करता है ब्लड वेसल्स तो पढ़ा ही हुआ था, ठीक है, और क्या बोलते हैं लंग का जो एल्वियोलाई का एयर सैक ऑफ लंग उसकी भी लाइनिंग करता है, उसके साथ साथ ये वाला भी क्या करना, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, देखो सिंपल एपिथेलियम के बारे में और लिखा हुआ है कि लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी डक्ट एंड ट्यूब्स, ये दिया हुआ है, ठीक है, तो दो चीज़ तो एग्जांपल हमने पहले ही पढ़ लिया है, इसका आंसर याद रखना ये एपिथेलियल टिश्यू ही होगा इसका आंसर, ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो
तो याद रख लेना, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लाइन नहीं है, मतलब लाइन से नहीं उठाया इसको। अब है करेक्ट रिगार्डिंग टिश्यू मेड ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्री। ये तो सिंपल वाला ही है, सिंपल एपिथीलियम का ही पहला वाला सही तो है। इसके लिए है ना डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है, अभी पिछले में देखे थे। वॉल ऑफ ब्लड वेसल इंटेस्टाइन गलत है, यहाँ पे एयर सैक सही है, ब्लड वेसल भी सही है, ठीक है, दो ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। थर्ड में है मेन फंक्शन सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, मेन फंक्शन ये नहीं होता, मेन फंक्शन तो डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना ऐसा कुछ होता है ना। फोर्थ है देबियर सीलिया समटाइम्स, नहीं नहीं क्यूबॉइडल और कॉलिमिनार शायद सिर्फ सीलिया बियर करता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला ही सिर्फ, ठीक है। डिफ्यूजन बाउंड्री का फंक्शन होता है, ठीक है। अब है 11वां नंबर है विच सेल हैव कैपेबिलिटी टू फॉर्म ग्लैंडुलर एपिथेलियम इन विच दे गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक म्यूकस एंड सलाइवा। म्यूकस सलाइवा वाला तो कंपाउंड पढ़े थे क्या? नहीं नहीं नहीं, कंपाउंड में तो फेरिंग्स वेरिंग्स दिया हुआ है यार, कुछ भी मतलब विसल कैपेबिलिटी टू फॉर्म ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके ग्लैंडुलर, ओके वो जो दो एग्जांपल दिया नहीं है, रुको, एक सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड का, एक गॉबलेट सेल का, ठीक है, तो वो वाला पूछ रहे, तो कॉलिमिनर और क्यूबॉइडल सेल होता है। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, याद आ गया। यूनिसेलुलर सेल होता है गॉबलेट वाला, और मल्टी सेलर सलाइवा वाला, ठीक है ठीक है। डायग्राम भी उसका याद रखना, मान लो डायग्राम देख के ना पूछेगा कि कौन सा यूनिसेलुलर है कौन सा गॉबलेट है, ठीक है। अब है इनकरेक्ट बताना है एरियोलर टिश्यू के बारे में, ठीक है। इट्स सर्व एज अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो पहला वाला सही है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, एपिथेलियम के लिए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क टाइप का रोल प्ले करता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सेकेंड है द सेल्स एंड फाइबर आर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेस, लूजली अरेंज्ड एरियोलर, एक मिनट, ठीक है, पहले हम लोग क्लासिफिकेशन सोचते हैं, ठीक है। दूसरा वाला क्या है कि लूजली अरेंज एंड सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेस होता है। थर्ड है कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर, ये तो लूज डेंस कनेक्टिव टिश्यू में होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो होता है, एक एरियोलर और एडिपोज, ठीक है। तो थर्ड वाला तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का है ना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर डेंस इरेगुलर आता है, तो थर्ड वाला तो डेंस का है, और इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोज दोनों आता है, तो एरियोलर में तो थर्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो पता चल गया, मास्ट सेल फाइब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफेजेस एंड इट्स आर इट्स कंपोनेंट। तो देखना जो डायग्राम बना है ना एरियोलर टिश्यू का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मास्ट सेल याद रखना, फाइब्रोब्लास्ट मैक्रोफेजेस सब याद रखना डायग्राम में भी। स्ट्रेंथ टू द बोन्स इज गिवेन बाय द हार्ड एंड नॉन प्लाइएबल ग्राउंड सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ, स्ट्रेंथ टू द बोन्स इज गिवेन बाय द हार्ड एंड नॉन प्लाइएबल ग्राउंड सब्सटेंसेस, इज गिवेन बाय हार्ड एंड नॉन प्लाइएबल ग्राउंड सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर। कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर,
बोन के बारे में बोल रहे हैं ना, तो बोन्स हैव हार्ड एंड नॉन प्लेएबल, ये चीज़ याद रखना ठीक है। रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड, ठीक है ठीक है, ये तो पता था, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा है। और बोन्स के साथ साथ किसका याद रखोगे, कार्टिलेज का और किसका यार, ठीक है। तो बोन्स के लिए क्या होता है, बोन्स के लिए हार्ड होता है, ये समझ में आ रहा है, नॉन प्लेएबल होता है ठीक है। और ग्राउंड सब्सटेंसेस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक सेल इन हार्ट एंड बंडल, कार्डियक फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक सेल्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक, अच्छा अच्छा सेल जंक्शन, सेल जंक्शन जो पढ़ा था इंटरकनेक्टेड पढ़ा था कार्डियक है हार्ट एंड बंडल इज, एक मिनट, फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक सेल इन हार्ट एंड बंडल स्मूथ मसल फाइबर टूगेदर टू फॉर्म अ कनेक्टिव टिश्यू सीथ, ओके। इंटरकलेक्टेड नहीं है क्योंकि इसमें ऑप्शन भी है, 56% लोग वही ला मारे हैं। देखो इसमें कुछ और बोल रहे हैं, इसमें मसल वसल भी बोल रहे हैं, तो इसमें देखते हैं, सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, ओके ओके ओके। कम्युनिकेशन जंक्शन नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट का, अच्छा ये जो, अच्छा ये वाला लाइन थोड़ा सा समझ नहीं पाई थी मैं, पहले एक बार और पढ़ी थी तो उसको मैं, मतलब ठीक है ध्यान नहीं देते हैं कभी कभी अपन, तो इसमें यहाँ पे जो बात बता रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बता रहा है ठीक है, कि स्मूथ मसल से एसोसिएटेड रहेगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा यार, हाँ। तो इसको सेल जंक्शन लगाना ठीक है, इंटरकलेटेड वाला कम्युनिकेशन जंक्शन है, ओके। सेल जंक्शन और कम्युनिकेशन जंक्शन अलग होता है, ओके। करेक्ट बताना है, सलाइवा इज सिक्रेटेड बाई एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, नॉन सेलुलर, हाँ शायद सही है भी, अच्छे से नहीं पता मेरे को। मस्कुलर टिश्यू पॉजेस सेल जंक्शन, ओके। मस्कुलर टिश्यू किसको बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू इज अ मस्कुलर यार, मसल वाला टिश्यू, ये क्या है सेल जंक्शन पर, थर्ड तो गलत लग रहा है मेरे को, थर्ड को एलिमिनेट करूँगी तो 3/4 आंसर नहीं होना चाहिए, हाँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या इन नहीं करेक्ट बताना है, मतलब इसका आंसर है थर्ड का, मतलब 1, 2, 3 सब करेक्ट हैं, ओ सी नहीं नहीं याद है, रखना है क्या, मतलब याद रखना है क्या, सच में सी में अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ, देखो और सी वाला ही, ओहो इतना दिक्कत मेरे को। म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेलर मल्टी सेलर यूनी सेलर होता है यार, फोर्थ वाला तो हो ही नहीं सकता है ना, पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला देखते हैं, यूनी सेलुलर ये वाला दिया, फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड दिया, सलाइवा म्यूकस सलाइवा एयरवैक्स ऑयल मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये सब सिक्रीट करते हैं ठीक है। सेल जंक्शन एपिथेलियल एंड अदर टिश्यू, 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन द एपिथेलियल एंड अदर टिश्यूज, मेरे को थर्ड भी गलत लग रहा था, मस्कुलर टिश्यू पॉजिटिव सेल जंक्शन, मस्कुलर वाला सेल जंक्शन रखता है, ओके। मैं सिर्फ एपिथेलियम सोचती थी, इसमें लिखा है अदर टिश्यू भी लिखा है साथ में एपिथेलियम के साथ, तो मस्कुलर होगा क्या पता,
विच एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट. ओके तो फेरिंग्स वाला ये सब याद कर. कुछ भी क्यूबॉइडल वाला तो उसमें आता है, नेफ्रॉन वाले में ठीक है. कॉल्यूमिनार वाला सिलिएटेड, ओ फेलोपियन ट्यूब वाला है ना, वो सब आता है उसमें. और सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट इज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ, तो ये कंपाउंड ही है ठीक है. मेरे से मिस क्लिक हुआ था. अच्छा कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर, ठीक है तो पता था. और लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, मतलब कि सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन का लिमिटेड रोल है ठीक है. दे ये वाला दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मोस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स, मेरे फेरिंग्स बस याद है बहुत ज़्यादा. इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया ना. डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और पैंक्रियाटिक डक्ट का लाइनिंग कौन करता है, कंपाउंड एपिथेलियम ठीक है. इसका काम मेरे ख्याल से मेनली प्रोटेक्शन वाला है, क्योंकि ये सिक्रीशन और उसमें लिमिटेड रोल प्ले करते हैं ठीक है. और मल्टी लेयर है तो थोड़ा सोचो. कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉकरोच. ओके 4 to 6. अच्छा 4 to 6 तो ओवरी में 2 to 6. हाँ ये तो इजी है. अच्छा मैं कितना रो रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी लगा बनाती थी तो दिमाग ही नहीं लगाती थी. ये तो इजी है ना. टेस्टीज में 4 T for 4 टेट्रा ऐसे याद करी थी. और 2 to 6 हो जाएगा, 4 to 6 2 to 6 ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट कॉकरोच. ओके हीमोसाइट लैक रेस्पिरेटरी पिगमेंट. हीमोसाइट इज अ सेल, हीम कंटेनिंग सेल लैक रेस्पिरेटरी पिगमेंट. इसमें बताना है इनकरेक्ट ठीक है, तो ये सही है. अच्छा सेकेंड हैज 13 चैम्बर हार्ट ऑन द वेंट्रल डॉर्सल साइड होगा. भाई ये इनवर्टिब्रेट में डॉर्सल ही होता है, ये तो मतलब पता ही था. पता नहीं क्या की हूँ मैं, है ना. थर्ड था ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर. ओके साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया. ओके ये चीज़ याद रखना, ये सही चीज़ है. सिर्फ सेकेंड वाला इनकरेक्ट है ठीक है. साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू दी ऑस्टिया ठीक है. ऑस्टिया हर जगह शायद पूरे बॉडी में, ऑस्टिया कहीं कहीं मतलब होता है, तो उसी के थ्रू ब्लड मतलब हार्ट में घुसता है ऑस्टिया के थ्रू, है ना. क्योंकि 13 चैम्बर हार्ट है ना. हैज 10 पेयर ऑफ स्पिरेकल्स प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड. लेटरल एकदम सही है ठीक है. और 10 पेयर भी एकदम सही है. स्पिरेकल 10 पेयर मतलब कि टोटल 20 इन नंबर ठीक है, ये चीज़ याद रखना. हार्ट मस्कुलर होता है कॉकरोच का, ये चीज़ मत भूलना मत ठीक है. और मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ये लाइन भी याद रखना किस में लाइक करता है. मिड डॉर्सल डॉर्सल लिखा मिड में, डॉर्सल में, थोरेक्स में एंड एब्डोमेन, लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन ठीक है. मेलपिजन ट्यूब्यूल्स ऑफ कॉकरोच आर लाइन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेल. मेलपिजन ट्यूब्यूल्स किसको बोलते हैं जो कॉकरोच में जो होता है. अच्छा इसको भी याद रखना है क्या, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर. अच्छा एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है यार. लाइन बाई ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड देखो लिखा हुआ है. मेरे को याद था मतलब ध्यान था कि सिलिएटेड लिखा हुआ है. देखो सिलिएटेड की जगह यहाँ पे फोर्थ वाले में एपिथीलियम बस कर दिया है, ग्लैंडुलर को रहने दिया है. ऐसे ऑप्शन बनाएगा कि कंफ्यूज ही हो जाओगे. याद रखना सिलिएटेड ही होता है, सिलिएटेड ही होता है. सिलिया क्यों चाहिए, थोड़ा सा
अब अगर उसका मतलब फिजियोलॉजी देखेंगे तो थोड़ा बहुत उसका सिग्निफिकेंस समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मेरे को नहीं याद है ना, पता है मेरे को सिलिया ही क्यों प्रेजेंट होता है ऐसे कैसे। तो मैल पिजियन ट्यूब्यूल्स में सिलिएटेड ग्लैंडुलर, ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, बताऊँ कैसे, बताती हूँ। देख हमारे नेफ्रॉन में भी क्या होता है, ब्रश बॉर्डर होता है ना, तो उसे याद रख सकते हो यार, चाहिए होगा सिलिया और क्या। ऑल द स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच आर करेक्ट एक्सेप्ट, तो पहला है थ्री गैंग्लिया लाइन द थोरेक्स एंड, एक मतलब इनकरेक्ट है उसी को बताना है। तो पहला है थ्री गैंग्लिया लाइन थोरेक्स एंड सिक्स गैंग्लिया लाइन, एकदम सही है लिखा हुआ है लाइन, ठीक है। तीन उसमें थोरेक्स में और सिक्स एब्डोमेन में। हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट, ऐसा भी होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सही है ये। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है डायग्राम देखने से भी पता चल जाएगा मे बी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट ट्रैक्यूल्स ऑफ डिफ्यूजन, एट ट्रैक्यूल्स, ओके डिफ्यूजन के थ्रू, ओके ये सही है क्योंकि आंसर फोर्थ है, मेरे को लग रहा था ये गलत है, ठीक है। और मेरे को अभी याद भी नहीं है, ठीक है। फेलोमियर्स आर काइटिनियस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल गोनोपोर, काइटिनियस तो सही लग रहा है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल वाला नहीं पता, स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल गोनोपोर ये वाला भी नहीं पता कि मेल गोनोपोर को ही सराउंड करता है। द एक्सटर्नल जेनिटेरिया रिप्रेजेंट बाय मेल गोनोपोफाइसिस ऑफ फेलोमियर काइटिनियस ए सीमेट्रिकल, देखो ए सीमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग बाय मेल, मतलब ये जो सीमेट्रिकल वर्ड है वो ए सीमेट्रिकल होगा। वाह तालियां, क्या बात है, सीमेट्रिकल लिख दिया, वहाँ ए वर्ड को बस छोड़ दिया, ऐसा करोगे नीट वाले। तो ये हो जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है। काइटेनियस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल गोनोपोर, याद रखना याद रखना याद रखना, वो पहला दूसरा तीसरा सही है ये भी याद रखना। हाइंड गट थोड़ा सा ब्रॉडर होता, अच्छे हाँ देखो मैं कैसे, मैं बता रही हूँ कैसे याद रखना। हम लोग का भी जो हाइंड गट, मतलब मानो यार जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना उसको मान लो, एलिमेंट्री किनार का ही तो बात कर रहे हैं ना, तो हमारे में क्या होता है, हमारे में भी तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो कितना ब्रॉडर होता है, वैसे ही याद रख लो और क्या, ठीक है। देखो अभी 50 क्वेश्चन है, हम लोग बहुत टाइम लग जाएगा, हम लोग को लगता है जल्दी जल्दी करना चाहिए। मेलपिजन ट्यूबुलिन कॉकरोच एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू, ओके तो देखो कॉकरोच में सी वर्ड आ रहा है, तो यूरिक में सी वर्ड आता है, तो यूरिक याद रखना और याद रखना। और ये कहाँ होता है, मिडगट और हाइंडगट के बीच में होता है ना मेलपिजन ट्यूब्यूल, तो मिडगट, एक मिनट, एक्सक्रीटेड थ्रू बोल रहे हैं, तो मेलपिजन ट्यूब्यूल तो भले मिडगट और हाइंडगट के बीच में है, लेकिन एक्सक्रीटेड थ्रू तो जो एक्सक्रीशन होगा वो तो हाइंडगट से ही होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। द लोकेशन ऑफ टेस्टिस इन मेल रिप्रोडक्टिव, ओके लेटरल साइड में 4-6 तो पता था, लेकिन लेटरल वर्ड याद नहीं था मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं, एलिमिनेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यार डॉर्सल, लेटरल तो पता था मेरे को, नहीं लेटरल ही नहीं पता था यार, 4-6 तो दूसरा और तीसरा में दिया, इसी में तो मैं कन्फ्यूज़ हुई थी, ठीक है आपसे याद रख लूँगी। लेटरल साइड, लेटरल साइड वाला एक तो ये टेस्टिस वाला, ठीक है, और एक स्पेरिकल्स भी लेटरल साइड में होता है, 10 पेयर, वो भी लेटरल लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें भी से पूछ लिया, ए वाला तो बीच वाला स्मॉल ट्यूब्यूल्स है, अभी अभी देखे थे हम लोग, ठीक है। तो पहला वाला तो स्मॉल ट्यूब्यूल्स, स्मॉल ट्यूब्यूल्स सब में दिया है, सेकेंड में सेमिनल वेसिकल है, और क्या पहले दूसरे में दिया है, फैलिक ग्लैंड तो ऊपर वाला है, फैलिक ग्लैंड तो आएगा ही नहीं किसी में, तो स्मॉल ट्यूब्यूल्स के पास सेमिनल वेसिकल, पहले दूसरे में सेमिनल वेसिकल है और चौथे में है, फिर सी क्या है, सी क्या है मेरे को नहीं पता यार, सी फिर भी क्या लग रहा है, राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर, ओके नहीं पता मेरे को, आंसर देखती हूँ। पहला है, पहला का मतलब
राइट फेलोमियर है कौन सा, सी वाला, और टीटी लेटर है डी वाला, लेफ्ट फेलोमियर है ई वाला। ओके 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 ठीक है, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ दिमाग में तो बैठ ही जाएगा ना। ठीक है, सी वाला राइट है वाला लेफ्ट है, ठीक है, और बीच में टीटी लेटर ये डी वाला। सिंपल एपिथेलियम इज डिवाइडेड फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चरल बोथ, मेरे को नहीं याद था, स्ट्रक्चरल के बेसिस पे एक कॉल्यूमिनर वाला लंबा, स्ट्रक्चर वाला पतला, फ्लैट, इसी के बेसिस पे है ना। हाँ इसी के बेसिस पे यार, फ्लैट है फिर थोड़ा सा लंबा है क्यूबॉइडल वाला, कॉल्यूमिनर वाला तो बहुत लंबा है, तो स्ट्रक्चर के बेस पे याद रख लेना। स्ट्रक्चर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इज परफॉर्म्ड बाय मींस ऑफ विच टिश्यू, हाँ तो एपिथेलियल मतलब सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इज परफॉर्म्ड बाय विच टिश्यू, एपिथेलियम में स्क्वैमस भी है क्यूबॉइडल भी है। मैं देख अभी भी मैं क्या बोली, स्क्वैमस, सिक्रीशन के नाम पे मेरे को स्क्वैमस याद आता है, क्यों क्यूबॉइडल वाला याद आना चाहिए ना, नेफ्रॉन में एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन, अरे हाँ मेरे को ये याद आना चाहिए, कैसा दिमाग है मेरा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कम्पोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक, ये तो पता है यार, कोमलिफॉर्म इंडक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, अच्छा इसमें लिखा हुआ है कि सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, और सिंपल वाला तो सिंपल स्क्वैमस, ओके सिंपल स्क्वैमस में क्या था, लेकिन मेरे को बहुत टाइम लग रहा है इसमें, अच्छा डिफ्यूज़न, हाँ पढ़ा तो था यार डिफ्यूज़न, ओके लिख लेती हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। स्क्वैमस में कन्फ्यूज थी, द इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन इज लाइंड बाई होलो ऑर्गन सिलिएटेड से, मैं कंपाउंड लगाई हूँ, द कॉल्यूमिनर क्यूबॉइडल सेल बी ए सीलिया फ्री सरफेस कॉल्ड सिलिएटेड, दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन, लाइक ब्रोंकियल्स एंड फेलोपियन ट्यूब, हाँ तो सिलिएटेड आएगा, ये वही वाला तो पूछ रहा है यार, क्यों कन्फ्यूज हो गई, ये वाला पूछ रहा है, ये वाला ब्रोंकियल्स और फेलोपियन ट्यूब मतलब हॉलो ऑर्गन में सिलिएटेड एपिथेलियम होता है जो कि कॉल्यूमिनर क्यूबॉइडल सेल के सेल ही बियर करते हैं, ठीक है, मतलब उसमें अगर सीलिया आ गया तो सिलिएटेड बोल देंगे। फिर एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम हैज़, ओके मोर देन वन ऑप्शन में क्या है, ए और सी, सम ऑफ द कॉल्यूमिनर क्यूबॉइडल सेल गेट स्पेशलाइज्ड सिक्रीशन कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कॉल्यूमिनर एंड क्यूबॉइडल दोनों, हाँ क्योंकि सिलिएटेड भी जब मॉडिफाई होता है तो क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर से होता है, और ग्लैंडुलर भी जब होगा तो क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर सेल से ही होगा, तो इसीलिए वन और थ्री ही होगा, ए और सी, ठीक है एकदम सही है, वन और थ्री मोर देन में वन और सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके एंडोक्राइन ग्लैंड मिल्क एक्सो है, हार्मोन एंडो है, इंटरसेलुलर मैसेंजर भी एंडो है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, अरे ये सब तो उसका है, हार्मोन का डेफिनेशन है ये सब, ठीक है मैं उल्टा सोच ली थी, डेंस इरेगुलर,
अब देखो, एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस, डेंस में भी रेगुलर और इरेगुलर। तो ये इरेगुलर की बात कर रहे हैं। तो इरेगुलर में मोस्टली कोलेजन होता है ये बोल रहे हैं। ओके, इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बाउंड बंडल्स ऑफ फाइबर। तो ये तो डेंस रेगुलर की बात, इरेगुलर पूछ रहे हैं ना। इरेगुलर देखते हैं, हाँ डेंस इरेगुलर मैनी फाइबर्स। अच्छा ये लिखा हुआ है, देखो डेंस ए लाइन देखना, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर मोस्टली कोलेजन है ना, दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। स्किन वाला चीज़ भी याद रखना, ये स्किन बहुत पूछता है स्किन वाला, ठीक है। डेंस इरेगुलर में, रेगुलर में तो वो टेंडन लिगामेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ये वाला चीज, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसमें पूछा है, देखो कोलेजन दोनों में होता है लेकिन लाइन दिया हुआ है ना, इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाया गया है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट आउट विथ रिस्पेक्ट टू कार्टिलेज। करेक्ट बोला है ना, हैविंग सॉलिड एंड प्लायबल इंटरसेलुलर एरिया विच कैन नॉट बी अ कंप्रेशन। कार्टिलेज के बारे में, कैन नॉट बियरिंग कंप्रेशन तो गलत होना चाहिए मेरे ख्याल से, कंप्रेशन होना चाहिए हल्का फुल्का। तो इसमें क्या है, करेक्ट बताना, तो पहला तो इनकरेक्ट है। कैन नॉट लिख दिया है, मैट्रिक्स इज नॉट सिक्रीटेड बाई कॉन्ड्रोसाइट। सिक्रीट करता होगा मे बी, लेकिन इसमें बताना है करेक्ट, तो दूसरा भी गलत है। नॉट सिक्री, हाँ नॉट सिक्रीटेड गलत है ना, तो करता होगा है ना, तो ये भी गलत है। तीसरा है, कॉन्ड्रोसाइट आर इंक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटी। कॉन्ड्रोसाइट्स आर इंक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज। कॉन्ड्रोसाइट किसको बोलते हैं, अरे कार्टिलेज को बोलते हैं, इंक्लोज स्मॉल कैविटीज। ये गलत है, बोन में होना चाहिए ये, तो जिसको लैकुने बोलते हैं है ना। मैं क्या लिखी हूँ, मेरे को कोई याद लाइन याद नहीं था पहले, अभी तो मेरे को लग रहा है काफ़ी कुछ मतलब कि ठीक है। फोर्थ है, वर्टिब्रेट हैव कार्टिलेज। अबे करेक्ट पूछा है, थर्ड वाला करेक्ट है। ओफो मेरा दिमाग, कॉन्ड्रोसाइट के बारे में सही है ये, स्मॉल कैविटीज होता है। और फोर्थ है, वर्टिब्रेट्स हैव कार्टिलेज रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट इन फ्यूल एट फ्यूल इक्वेशन। नहीं यार पढ़ ही लेते हैं, बहुत दिक्कत है इसमें। सेल ऑफ दिस कॉन्ड्रोसाइट आर इंक्लोज स्मॉल कैविटी विद इन सिक्रेटेड बाई देम प्लाइएबल रेजिस्टेंट एंड रेजिस्ट कंप्रेशन इंटरसेलुलर मटेरियल। कार्टिलेज इज सॉलिड एंड मोस्ट ऑफ देम कार्टिलेज वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस बाई बोन्स इन एडल्ट। कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड। फ्यू लोकेशन क्या गलत है यार इसमें, इतना दिक्कत। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज ऑफ वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन। पहला
दूसरा ये डायरेक्टली लिखा नहीं हुआ है, देख लेना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थर्ड वाला होगा, थर्ड वाला मतलब कि सही है, इसमें करेक्ट पूछे हैं। मेरे को इसको फिर से चेक करना पड़ेगा, तो एक काम करती हूँ इसको लगा देती हूँ। ये फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू न्यूरल टिश्यू, रॉन्ग न्यूरोग्लिया मेक हाफ, न्यूरॉन के बारे में मेक हाफ लिखा है। देखो मेरे बोल रही थी ना मैं कहीं क्वेश्चन क्यों नहीं रुकी, मैं मोर देन वन हाफ नियर, अच्छा अच्छा नहीं यार न्यूरोग्लिया के बारे में ही तो लिखा है, लिख ओहो इतनी कंफ्यूज, मतलब मोर देन हाफ को नियरली हाफ लिख दिया तो गलत है, बाकी सब सही है कि न्यूरोग्लिया प्रोटेक्ट करते हैं और न्यूरल वाला टिश्यू कंट्रोल करते हैं बॉडी। ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ नर्वस कॉज इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, प्लाज्मा, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, एक जगह साइटोसॉल लिखा था, तो पहला सही है, मतलब पहला गलत है, सॉरी रॉन्ग पूछा है। यहाँ पे मोर देन होना चाहिए, ह्यूमन हार्ट हैज़ विच टाइप ऑफ टिश्यू, ऑल ऑल होता है मेरे ख्याल से, एपिथेलियल कनेक्टिव मस्कुलर फॉर एग्जांपल आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल फोर टाइप ऑफ टिश्यू, हाँ ये वाला वर्ड याद आ रहा था, एपिथेलियल भी होता है, कनेक्टिव भी होता है, मस्कुलर भी होता है, न्यूरल भी होता है, न्यूरल को छोड़ दिया है यहाँ। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन केस ऑफ कॉकरोच आर, मैं बहुत स्लो हूँ, मेरे को फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि 54 क्वेश्चन है। कॉकरोच आर ऑब्जर्व सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, हाँ मोर देन वन करेक्ट में क्या क्या है, फोर्थ ऑप्शन को देखो, फोर्थ को दे, अच्छा ठीक है, मेल हैविंग लॉन्गर विंग, प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल, प्रेजेंस ऑफ मेल में, ठीक है तो दूसरा वाला सही है। देखो द एडल्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच पेरिप्लैनेटा, इतना मीटर लॉन्ग विथ विंग दैट एक्सटेंडेड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल्स, मतलब मेल्स में लंबा होता है, यही बोल रहे हैं शायद, है ना, और वो कॉडल वाला तो सही है कि मेल में होता है, मतलब स्टाइल कॉडल स्टाइल किस में होगा, स्टाइल मेल में होगा, ठीक है पहला। दूसरा द हार्ड हार्डन प्लेट ऑफ एक्सोस्केलेटन वेंट्रली इज नोन एज, ओके स्क्लेराइड होगा, नहीं स्टरनाइट होगा, स्टरनाइट मैं ऐसे याद की थी कि स्टरनम हम लोग के में होता है ना, तो स्टर स्क्ले मत बोलना, स्टरनाइट होगा, ठीक है स्क्लेराइड किसी और चीज़ को बोलते हैं। देखो स्क्लेराइड किसको बोलते हैं, हार्डेंड प्लेट को स्क्लेराइड बोलते हैं, मतलब दोनों को मिला के टर्गाइट और स्टरनाइट दोनों को मिला के स्क्लेराइड बोलते हैं, टर्गाइड और स्टरनाइट को मिला के, टर्गाइट है ना, गाइड और नाइट अलग अलग है, नाइट तो कुछ होता ही नहीं है, टर्नाइट कुछ नहीं होता है, फोर्थ वाला कुछ नहीं होता, टर्गाइट होता है, स्टरनाइट होता है, और दोनों को मिला के स्क्लेराइड बोलते हैं, ठीक है ये चीज़ मैं भूलती हूँ। द हेड ऑफ इज कनेक्टेड विद द थोरेक्स बाय द शॉर्ट एक्सटेंशन कॉल्ड प्रोथोरेक्स, ठीक है याद रखना, नेक नहीं प्रोथोरेक्स होगा लिखा हुआ है, देखो प्रोथोरेक्स पहले, देखो शॉर्ट एक्सटेंशन को पूछ रहा है, ऑफ द प्रोथोरेक्स, ऑफ द लिखा है ना, विद द थोरेक्स तो प्रोथोरेक्स होगा, नोन एज पूछता तो नेक बोलते पूरे उसको, ठीक है देयर ऑफ कनेक्ट थोरेक्स बाय द शॉर्ट एक्सटेंशन कॉल्ड प्रोथोरेक्स, ठीक है एक ही मतलब है, लेकिन शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ नेक थोड़ी होगा यार, शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स होगा, लॉन्ग लॉन्ग वाला गलत है, लॉन्ग वर्ड। द फीमेल कॉकरोच है 7, 8, 9 स्टरनाइट एज जेनाइटल पाउच,
मुझे नहीं पता, पहला सही है। ठीक है, फीमेल गोनो पर इस वेंट्रल पार्ट ऑफ जनरेटर वो टर्न ऑफ डाउन सेगमेंट लाइक मेल हो एन अदर स्टाइल एज वेल। फीमेल का बात कर रहा है ठीक है, और पूछ रहे हैं तो मेरे को कुछ भी याद नहीं है इस चारों में। द एब्डोमिनल इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्टेंट सेगमेंट, मतलब 10 एब्डोमिनल सेगमेंट अनलाइक लिखा है, वो गलत है, दोनों में होता है। ठीक है, सेकंड है इन फीमेल 7th स्टर्नम इज ब्रॉड शेप्ड 7th 8th 9th है ना, स्टर्नम फॉर्म ऑफ ब्रॉड जनरेटर पाउच एंटेरियर पार्ट। ठीक है, ओके, कंटेन फीमेल गोनोपोरस स्पर्म देकर कोलेटरल ग्लैंड। मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थिक थ्रेड लाइक एनाल स्टाइल। ठीक है, एनाल स्टाइल मेल में ही होता है तो पता था, फोर्थ नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में होना चाहिए, सेकंड वाले में। वेंट्रल पार्ट ऑफ जेनिटल गलत है, एंटेरियर पार्ट है। ठीक है, एंटेरियर पार्ट कंटेन फीमेल गोनोपोर। जेनिटल पाउच सब मेंटल लिखा हुआ है, गैस्ट्रिक ओहो ऐसे मत हो मेरे दोस्त। एनसीईआरटी इनकरेक्ट, 30 कितने क्वेश्चन पे थे यार, जल्दी जल्दी करते हैं। गैस्ट्रिक सीके ऑफ कॉकरोच इज 6 to 8 होता है। सीक्रेट डाइजेस्टिव बिल्कुल सही है, सेकंड गलत है। मिड गट और हाइंड गट नहीं, फोर गट और मिड गट होते हैं, फोर गट मिड गट लिखा हुआ है ना। हाइंड गट इन कॉकरोच इज ब्रॉड देन मिड गट, अपन जैसे याद कर लो। टू पार्ट ऑफ इलियम ये सब नहीं होता, रेक्टम ओपन इन टू ये सब भी नहीं होता शायद। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्पेरेकल आर रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर, मेरे को जल्दी जल्दी करना है। स्पेरेकल आर रेगुलेटेड बाय, इसका आंसर है फोर्थ। ठीक है, रॉन्ग पूछा है। ट्रैकियोल्स डिवाइड इन टू ट्रैकियल ट्यूब, अच्छा तो क्या गलत है इसमें। ब्रांचिंग ऑफ ट्यूब ट्रैकियल ट्यूब सब डिवाइडेड, ओह डिवाइडेड की जगह सब डिवाइडेड। कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू द ऑल पार्ट, ट्रैकियोल्स ओहो एकदम अपोजिट लिखते हैं। ट्रैकियोल्स लिखा है, ट्रैकियोल्स डिवाइड इनटू ट्रैकियल ट्यूब, जबकि उल्टा होता है, ट्रैकियल ट्यूब सब डिवाइडेड इनटू ट्रैकियोल्स है ना, जस्ट उल्टा लिखा हुआ है तो ये गलत है, बाकी सब सही है। 10 पेयर स्पेरिकल ट्रैकियोल्स इन प्लेस फॉर गैसेस एक्सचेंज सही है। स्पेरिकल्स आर रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर इन कॉकरोच। द एब्डोमेन हैज 3 और नहीं, एब्डोमेन हैज 6 वेल थोरेक्स हैज 3। अच्छा अच्छा वो इसमें अपोजिट है ना, मतलब लिखा हुआ है थोरेक्स में पहले 3 फिर एब्डोमेन में 6 और इसमें जस्ट एब्डोमेन पहले लिख दिया तो 6-3 हो। द ब्रेन ऑफ कॉकरोच हैज नर्वस सिस्टम विद सप्लाई एंटीना एंड कंपाउंड आई। ब्रेन ऑफ कॉकरोच हैज नर्वस सिस्टम विद सप्लाई टू एंटीनी एंड कंपाउंड आई, एंटीनी और कंपाउंड आई, एंटीनी और कंपाउंड आई। थर्ड में लिखा है हाइपोफेरिंग्स को भी हो तो जीभ है यार, टंग है उसको कहे देगा, इतना थोड़ा सा सोचना था। ठीक है, दो ही चीज़ हो गया, एंटीनी और कंपाउंड आई। ओमेटीडिया आर नॉट 2000 सही है, हेक्सागोनल भी सही है, मल्टीपल है। अच्छा 2000 इन कॉकरोच, ईच लिखा है भाई तो 4000 होना चाहिए, ईच आई कंसिस्ट 2000 हेक्सागोनल, ईच लिखा है इसलिए 4 होना चाहिए। ठीक है, मेरे को समझ नहीं आया था, अब मेरे को समझ आ गया। मल्टीपल इमेजेस ये भी सही है और ऑल आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओमेटीडिया ऑफ कॉकरोच।
नहीं सब सही नहीं है, सेकंड वाला गलत है, ईच लिखना चाहिए था, और डायरेक्ट लिखा तो 4000 लिखना चाहिए था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, मेरे को 54 क्वेश्चन करना है 10 मिनट में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच हैज़ नॉट पेयर्ड इरेगुलेटरी डक्ट, ठीक है, पेयर्ड इरेगुलेटरी डक्ट नहीं होता। द इरेगुलेटरी डक्ट ओपन इनटू मेल गोनोपोप सिचुएटेड वेंट्रल साइड ऑफ पेनिस, टेस्ट इज रेजिड थिन वाज डिफरेंस व्हिच ओपन इनटू इरेगुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल। पेयर्ड में तो होता ही नहीं है, डायरेक्टली एक ही इरेगुलेटरी डक्ट होता है, ठीक है, तो पेयर्ड गलत है। पहला सही है, थर्ड मशरूम, सेवन्थ में भी सही है, फेलोमियर काइटिनियस एसिमेट्रिकल वर्ड सही लिख दिया यहाँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच हैज़ थर्ड वेजाइना और ऑल्सो नोन एज सिंगल मीडियन ओविडक्ट, ठीक है ये सही है, बाकी सब गलत है। स्पर्मेथिका पेयर लिखना चाहिए था, पेयर ऑफ स्पर्मेथिका, ठीक है पेयर होता है। सिक्स सेगमेंट सही लिखा है फोर्थ में, सेकंड में 8 ओवेरियन ओव्यूल ट्यूब्यूल नहीं होता, 8 to 16 समथिंग कुछ होता है, ठीक है चेक करना इसको। सेकंड वाले को क्यों गलत है, ओवेरियन लाई वेंट्रली, ओवरीज लाई वेंट्रली है, सेकेंड टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट इसको भी चेक करना, ठीक है। वेंट्रल गलत है मेरे ख्याल से, या क्या गलत है मेरे को भी, गलत है पहला दूसरा क्यों वो देख लेना। फाइंड द इनकरेक्ट मैच, 8 मिनट में मेरे को फाइंड द इनकरेक्ट मैच यहाँ से करती हूँ। विच माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच एक्ट एज अपर लिप, लेब्रम, सेकेंड वाला। कॉकरोच द विंग दैट हेल्प इन फ्लाइंग आर हाइंड वाला काम करता है, मतलब कि थर्ड वाला हो जाएगा, है ना, क्योंकि फोर वाला नहीं करता है, ठीक है लिखा हुआ है डायरेक्ट। तो द हाइंड विंग विच आर ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस, ठीक है इम्पॉर्टेंट है ये। द हार्ट रिसीव ब्लड फ्रॉम द साइनसेस थ्रू अ ऑस्टिया, ये भी देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग एपिथेलियम सेल्स, ओके गैप जंक्शन कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग एपिथेलियम सेल, ओके मतलब कि टाइट एडहेरिंग और तीन चीज पढ़ा था ना यार, उसी में से पूछ रहे हैं गैप जंक्शन। तो गैप वाला एडजॉइनिंग एपिथेलियम सेल कनेक्ट करने वाला, ठीक है इनकरेक्ट पूछा है कॉकरोच में, सेकंड इनकरेक्ट है। मल्टी जेंडिबल एब्जॉर्ब यूरिक एसिड फ्रॉम हीमोलम्पियन एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंड गट, एक्सक्रीटेड सही है, एब्जॉर्ब यूरिक एसिड सेकंड वाले में क्या होना चाहिए था। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्टेड इनटू, हाँ यार इतना तो दिमाग लगा यार, हाँ सच में दिमाग नहीं लग रहा था। मेलपीजन टेबल क्या करेगा, यूरिक एसिड तो बनाएगा ना यार, एब्जॉर्ब तो नाइट्रोजिनस वेस्ट को करेगा, फिर उससे क्या बनाएगा, यूरिक एसिड बनाएगा, ठीक है तो ये गलत है। एब्जॉर्ब नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम कहीं नहीं लिखा है, बस लिखा है फिर कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड, ठीक है बाकी सब सही है, ठीक है। कोलेट्रल ग्लैंड सही है, फॉर्मर ऑफ यूथिका आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फीमेल जेनिटल पाउच, कोलेट्रल ग्लैंड दिखे थे झाड़ी झाड़ी जैसा दिख रहा था फीमेल में। टैगमिना ओपेक डार्क एंड लेदरी स्ट्रक्चर कवर्ड द हाइंड विंग व्हेन इट रेस्ट, मतलब डार्क एंड लेदरी स्ट्रक्चर कवर्ड हाइंड विंग को,
क्या करता, कवर करता है टैगमिना, मेरे ख्याल से टैगमिना फोरविंग को बोलते हैं, ओपेक होता है, डार्क होता है और हाइंड वाला मेम्ब्रेनस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों में डिफरेंस। सेकेंड है मेलपिजन ट्यूब्यूल्स ऑफ यूरिक एसिड, ये वाला गलत है, गिजार्ड ग्रिंडिंग ये सही है। 49 में मैच करना है, फोर्थ वाला सही है, ए बी सी डी ओके। तो सिंपल स्क्वेमस वाला ब्लड वेसल पता था, क्यूबॉइड वाला पी सी डी पता था, डेंस इरेगुलर वाला स्किन पता था है ना, इरेगुलर वाला देखे थे, बोली भी थी इम्पॉर्टेंट है, और एरियोलर वाला बीनीथ द स्किन ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एन एनाइलस्टाइल डिस्टिंग्विशेस मेल कॉकरोच फ्रॉम द फीमेल, इट इज़ प्रेजेंट ऑन, प्रेजेंस ऑफ एनाइलस्टाइल डिस्टिंग्विशेस मेल कॉकरोच, इट इज़ प्रेजेंट ऑन टेंथ वाला, टेंथ पे होता है, टेंथ में भी नाइन्थ में होता है, अच्छा मेरे को टेंथ क्यों लग रहा था। स्टाइल पूछ रहे हैं, सरसी नहीं पूछ रहा है, ओके एनाल सरसी दोनों में होता है और टेंथ सेगमेंट में होता है ठीक है। और इसमें पूछ रहे हैं ओके, मेल बी पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड एनाल स्टाइल विच इज एब्सेंट इन मेल फीमेल, लेकिन सेगमेंट में नहीं बताया यार, ठीक है मैं याद रख लेती हूँ। सेकंड नाइन्थ स्टर्नम, टेंथ वाला सरसी है, नाल सरसी है जो दोनों में होता है, नाइन्थ स्टरनाइट, स्टरनाइट मतलब वेंट्रल साइड पे हम लोग के में स्टर्नम होता है तो स्टरनाइट ठीक है। स्क्लेराइट, स्टरनाइट और टर्गाइट दोनों को मिला के स्क्लेरॉइड बोलते हैं ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एपिथेलियल टिश्यू, ओके नॉट करेक्ट बताना है, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल ठीक है, इसमें आंसर है थर्ड। एपिथेलियल सेल्स रेस्ट ऑन द सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन दैट सेपरेट इट फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, कि एपिथीलियम के बारे में बोला है ना, तो ये तो फ्री सरफेस होता है, आइदर द बॉडी बॉडी फ्लूइड को फेस करता है या तो आउटसाइड द एनवायरनमेंट को फेस करेगा, जैसे स्किन, स्किन इसमें कहाँ आता है यार, ठीक है मैं गलत बोली, स्किन वगैरह नहीं सोचना है। फिर है दस प्रोवाइड अ कवरिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ द सम पार्ट ऑफ द बॉडी, थर्ड एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑन, पहला दूसरा और चौथा सही है, पहला सही है ठीक है। सेकंड है नेबरिंग सेल सेल टुगेदर जंक्शन सही है, फोर्थ देयर इज नो ब्लड वेसल सप्लाइंग द न्यूट्रिएंट टू द एपिथेलियल, फोर्थ भी सही है, ओ फोर्थ नहीं लिखा है क्या, नहीं पता यार। थर्ड वाला द एपिथेलियल सेल्स रेस्ट ऑन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन दैट सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, मेरे को नहीं पता है वाला थर्ड का, मैं देखूंगी इसको। उथिका डार्क येलो कैप्सूल, उथिका इज थर्ड नंबर, ड्रॉप्ड नियर अ फूड सोर्स with highly humidity, with high humidity Uthika is drop near a food source dark yellowish, ऐसा नहीं होता। Uthika के बारे में क्या दिया, Uthika is a dark reddish yellowish गलत है, और 8 millimeter होता है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है ठीक है। ब्राउन कैप्सूल ब्लैकिश ब्राउन, रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन, दे आर ड्रॉप्ड आउट ग्लू सूटेबल सरफेस इज यूज्ड इन क्रैकर्स ठीक है। फाइंड द इनकरेक्ट में क्या, फोर्थ वाला इनकरेक्ट है, इसे क्लेटरी डक्ट 1 होता है, ये तो सही है।